गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.1। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट रन इन 1 सेकेंड। एज यू नो, इन 1 रिवॉल्यूशन इट कैन मेक 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन एंगल। ओके, सो वी हैव 360 रिवॉल्यूशन, तो टोटल एंगल इन 1 मिनट, एंगल इन 1 मिनट इज इक्वल टू 360 इंटू 2 पाई रेडियन। एक रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट राउंड चलने में 2 पाई रेडियन एंगल बनता, आपको मालूम है 360 में 360 इंटू 2 पाई बनेगा। सिंपल सी बात है, ये बात हो रही है 1 मिनट की, 1 मिनट और 60 सेकेंड। ओके, तो 1 सेकेंड में कितना बनना हमको फाइंड करना है, तो हाउ मेनी रेडियन डज इट रन इन 1 सेकेंड। तो एंगल इन 1 सेकेंड इक्वल्स टू 360 इंटू 2 पाई ओवर 60, 6 × 12 पाई। ओके आंसर, तो 12 पाई रेडियन एंगल बनेगा 1 सेकेंड, यही हमको पता, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड में वो 360 रिवॉल्यूशन करता, ये कहा था 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता, तो 60 सेकेंड में 360 इंटू 2 पाई रेडियन हो जाएगा, एंड 1 सेकेंड में डिवाइडेड बाई 60 इट विल बी 12 पाई रेडियन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर। रेडियस आर है हमारे पास 100 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क है 22 सेंटीमीटर। जो एंगल बताना वो डिग्री में बताना, अंतर सिर्फ इतना है। लेकिन जो हमको पता है, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, ये हम आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बता चुके हैं, ठीक है ना। तो ये जो एंगल आता है ये रेडियन में आता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो ठीक, एल कितना है यहाँ पे 22 अपॉन आर, आर कितना हमारे पास 100, ये क्या हो गया हमारे पास रेडियन, थीटा इक्वल टू 22 अपॉन 100 रेडियन हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसने क्या पूछा हुआ है, इसने इसको डिग्री में पूछा, तो अब बस रेडियन को कन्वर्ट करना है आपको डिग्री में। तो जैसे हमको पता है कि क्या होता है आपके पास, पाई रेडियन इक्वल टू होता है आपके पास 180 डिग्री, तो 1 रेडियन हो जाएगा हमारे पास 180 ओवर पाई डिग्री। तो ये हमारे पास 22 अपॉन 100 रेडियन है, इक्वल टू हो जाएगा 180 ओवर पाई, मतलब 22 अपॉन 7, तो 7 कन्वर्ट होकर ऊपर जाएगा इंटू 22 अपॉन 100, 22 अपॉन 100। ओके, 22 कैंसिल होगा, 0 कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल हो रहा है 5 टाइम्स, और 2 से ये हो रहा है 9 टाइम्स, 9 7 जो 63 अपॉन 5, डिवाइड करिएगा 12 टाइम्स, 12 × 60, तब 3 रिमाइंडर बच जाता है। अब 3 जो रिमाइंडर बचेगा वो समझने वाली बात है, फिर वापस यहाँ पे से 12 तो डिग्री आ गया क्योंकि डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है, 12 डिग्री आ गया, अब 3 डिग्री बचा हुआ, 3 डिग्री का मतलब हो गया 180 मिनट। तो 180 मिनट को डिवाइड करेंगे अगर हम 5 से, तो हमारे पास आता है 36 मिनट। ओके, 12 डिग्री 36 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। हमने आपको बताया आपको डिवाइड कैसे करना, 5 से क्या 12, 5 से 60, 3 रह गया, 3 क्या बचा है मिनट बचा है, पॉइंट नहीं लगा सकते यहाँ पे, सॉरी 3 डिग्री बचा था वो, और 3 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे अगर हम, तो 3 डिग्री कन्वर्ट होकर कितना बना देगा आपको 180 मिनट। 180 मिनट को अगर 5 से डिवाइड करेंगे आप, तो 36 मिनट आपको आंसर मिलेगा, 12 डिग्री 36 मिनट इसका रिजल्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन 4th ये था, फिर तो देखेंगे इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, 5th में एक सर्कल है जिसका डायमीटर और आई थिंक लेंथ ऑफ आर्क आपको दिया होगा, सर्कल 40 लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया, सॉरी 20। अगर ये एक सर्कल है ऐसा मान के चलते हैं,
ये हमारे पास इसका एक कॉर्ड दिया है, कॉर्ड लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट ऑन द सर्कल इज नोन एज कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सपोज ए बी कॉर्ड है कोई, ये 20 सेंटीमीटर है, ओ इसका अगर सेंटर है, अगर ओ से ए को और ओ से ही बी को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, तो ओ ए और ओ बी दोनों क्या हो जाएंगे इसकी रेडियस हो जाएगी। चाहिए सी बात है, लाइन जॉइनिंग का पॉइंट ऑन द सर्कल टू सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज रेडियस ऑफ सर्कल। तो ओ ए रेडियस, ओ बी रेडियस, एज यू नो द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 40 सेंटीमीटर गिवन, देन रेडियस विल बी 20। सो ओ ए इज 20 सेंटीमीटर, ओ बी इज 20 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो ए बी इज 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स ट्राइंगल ए ओ बी बिकम एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंड इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच एंगल ऑफ 60 डिग्री। So we can say angle AOB is equal to 60 degree. Okay? तो इतनी बात तो क्लियर हुई। अब करना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। एज यू नो ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 10 व्हाट इज माइनर एंड मेजर आर्क और कॉर्ड, ठीक है। तो माइनर किसकी वजह से होता है कि एंगल जो सबटेंड होता है यहाँ पे अगर लेस देन 180 है तो करस्पॉन्डिंग आर्क को हम, ये करस्पॉन्डिंग कॉर्ड को हम क्या कहते हैं, माइनर। ये करस्पॉन्डिंग सेगमेंट बने या सेक्टर बने सब माइनर कहे जाते हैं, लेकिन अगर ये 180 से बड़ा है तो उसको मेजर कहते हैं। अगर 180 है तो उसी को सेमी सर्कल की सिचुएशन होगी, ठीक है ना, आपको मालूम है सारी चीजें। अब ये क्योंकि यहाँ पे कितना है, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो डेफिनेटली इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली जो आर्क होगी हमारे पास, ये जिसको हम आपके लिए डार्क कर रहे हैं, ये जो आर्क होगी इस आर्क का लेंथ क्या होगा, वी हैव टू, ठीक है। तो ये आर्क का लेंथ सपोज एल है। अब हमारे पास क्या होता, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है, लेकिन ये होगा रेडियन में। हमारे पास यहां पे ये जो थीटा 60 डिग्री बन रहा है ये डिग्री में बना हुआ है, तो सबसे पहले 60 डिग्री को हम लिखेंगे सिंस 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन, बोल सकते हैं हम 180 over 3, 60 हो जाएगा, कन्वर्ट करेंगे तो यही मिलेगा हमको, यानी 60 डिग्री की जगह पे हम पाई बाई 3 रेडियन लिख सकते हैं, ओके, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कितना है, पाई बाई 3 है, कौन सा, ये एंगल, ठीक है। तो इस थीटा की जगह क्या आएगा हमारे पास, पाई ओवर 3 इक्वल टू एल, एल लेंथ को हम फाइंड कर रहे हैं अपॉन आर, आर वो दिया है इसके लिए कितना है 40, तो एल इक्वल टू कितना हो गया 20 पाई बाई 3, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 20 ओवर 3 और 22 ओवर 7 कैंसिल, तो कंप्लीट करता नहीं, 440 अपॉन 21 सेंटीमीटर, ये इसके लिए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको डिवाइड करके लेकर आ जाए पॉइंट तक, लेकिन ये सेंटीमीटर में क्योंकि लेंथ है इसका रिजल्ट होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप क्या किया हमने। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। If in two circles, arc of same length subtend angle 60 degree and 70 degree. देखिए दो सर्कल हमारे पास अलग अलग, एक सर्कल सपोज ये है और एक सर्कल ये है, ठीक है। Arc of same length, तो जो लेंथ है वो तो सेम है आर्क का, तो जाहिर सी बात है उसका रेडियस अलग होगा, 60 और 75 बना रहा है। आर्क ऑफ लेंथ सपोज इसका इतना है और इसके लिए इतना है, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये ओ है सपोज, ए बी है, ये ओ डैश है और ये पी क्यू है, ओके। तो ये अगर लेंथ हमारे पास एल है तो ये लेंथ भी हमारे पास एल है, दोनों इक्वल है। इसका रेडियस सपोज आर वन है तो इसका रेडियस हम आर टू ले लेते हैं, ठीक, यही हमको फाइंड करना होगा, फिर रेशियो फाइंड करना है इसका, ठीक है ना। अब ये एंगल 60 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, ओके। अब हमको सबसे पहले हमको मालूम है कि रिलेशन क्या होता है डिग्री और रेडियन मेजर में, हमको मालूम कि पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ठीक। तो 1 डिग्री इक्वल टू मिल जाएगा हमें, 1 डिग्री इक्वल टू मिलेगा हमें पाई बाई 180 रेडियन, ओके। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक तो 60 डिग्री है और दूसरा 75 डिग्री, दोनों कन्वर्ट कर लेंगे, 60 डिग्री बन जाएगा हमारे पास, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं आप समझे, पाई बाई 180 इंटू 60 इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन, ओके।
इसी तरह 75 डिग्री बनेगा हमारे पास पाई ओवर 180 इंटू 75, और इसको कन्वर्ट कर लेंगे अगर से कैंसिल करते हैं तो 15 और 36, 3 से करते हैं तो 5 और 12, तो 5 पाई बाई 12, ठीक है, ठीक 5 पाई बाई 12, ये आया 75 डिग्री की जगह और ये आया हमारे पास इसकी जगह, ये क्या है रेडियन हमारे पास। ओके, अब आपको क्या मालूम कि इसने क्या बोला हमें, हमको उसका फाइंड करना है रेशियो रेडियस का आर वन और आर टू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं थीटा वन ओवर थीटा टू क्या हो जाएगा, और जैसे फॉर्मूला होता हमारा थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, तो थीटा वन हो जाएगा एल अपॉन आर वन और ये हो जाएगा अपॉन एल अपॉन आर। ओके, तो क्या मिलेगा हमें, थीटा वन अपॉन थीटा टू इज इक्वल टू, तो देखें एल तो कैंसिल हो गया, ये आर ऊपर चला जाएगा, तो आर टू अपॉन आर वन होगा ना, रेसिप्रोकल होकर आर टू ऊपर जा रहा है तो आर टू अपॉन आर वन, थीटा वन ओवर थीटा टू इज इक्वल टू आर टू अपॉन आर वन, यानी कि आर टू और आर वन का रेशियो थीटा वन और थीटा टू के इक्वल होगा, लेकिन उसके अपोजिट हो रहा है, ठीक है। अब थीटा वन कितना हमारे पास, थीटा वन क्योंकि हमने क्या कहा था ये क्या होता है रेडियन में होता है, तो 60 डिग्री वो रेडियन में कितना कन्वर्ट हो गया है पाई बाई थ्री और ये फाइव पाई बाई ट्वेल्व, यानी कि हो जाएगा पाई बाई थ्री और फाइव पाई ट्वेल्व होगा तो ये हो जाएगा ट्वेल्व बाई फाइव पाई इक्व टू आर टू अपॉन आर वन, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, थ्री फोर जा ट्वेल्व, यानी कि जो आर वन आर टू का रेशियो आएगा, आर वन रेशियो आर टू वो आएगा आपके पास फाइव रेशियो फाइव रेशियो फोर आर वन आर टू का रेशियो, ठीक है। तो ये रिजल्ट होगा, ये हमको फाइंड कर लेना है, इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट था यहाँ डिग्री वाले से, क्योंकि इसको हम थीटा नहीं कहते हैं, इस बात को याद रखना है आपको कि हम जो थीटा होता हमारे पास ये वाला जो एल अपॉन आर हम जो यूज करते हैं इसकी जगह पे, ये हमेशा क्या होता है रेडियन में होता है, बस तो ये रेडियन में कन्वर्ट करना था वही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, और 7 में हमारे पास चार पार्ट हैं, तो हम चार पार्ट में से कोई एक कर लेते हैं। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू व्हिच इज पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, आपको दिया है तीन चीजें। पेंडुलम जैसे आपने देखा होगा फिजिक्स के अंदर, आप प्रैक्टिकल भी कर चुके होंगे 10th में या 11th में, डेफिनेटली करेंगे पेंडुलम का। देखिए पेंडुलम किस टाइप से मिलता आपको, कुछ इस टाइप से होता आपके पास, एक कील में धागे से एक छोटी सी गोली लोहे की आयरन टाइप की बांध दी जाती है, उसको पीछे खींच के छोड़ देते हैं तो वो ऐसे सर्कुलर करता, धीरे धीरे उसका डिस्टेंस कम होता जाता है और वो एक बार में फिर किसी समय पे रुक जाता है, रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, हमको उतने डिटेल में नहीं जाना। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू व्हिच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75, तो जिससे बंधा हुआ है वो जो स्विंग कर रहा उसका लेंथ कितना है 75, यही इसमें कहा है क्वेश्चन में, देखेंगे। फाइंड द लेंथ इन रेडियन थ्रू व्हिच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75, तो ये वाला जो है ये कितना है, ये 75, ये तो फिक्स है सबके लिए। अब जो आर्क ऑफ लेंथ है, ये जो लेंथ है ये कम ज्यादा हो रही है, 10 है 15 है 21 है, अलग अलग उसने क्वेश्चन बनाया हमारे लिए, तो ये 75 है, इसको समझे आप, ये क्या होता है, अगर मैं इसको पूरा करूं ऐसे कंप्लीट तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल बन जाएगा, ऐसे एक कंप्लीट सर्कल बनेगा और ये उसका सेंटर होगा, ये चीज क्या है एक्चुअली, ये रेडियस है, 75 जो उसने कहा ये रेडियस है और लेंथ ऑफ आर्क भी उसने दे दी। सपोज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं तो एल इक्वल्स टू कितना हमारे पास यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, बस सिंपल सी बात है, हम सेकंड पार्ट के लिए जा रहे हैं 7 का, सिंस थीटा इज इक्वल्स टू एल ओवर आर और सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, एल कितना है 15, आर कितना है 75, आर तो सबके लिए फिक्स रहेगा, बस एल चेंज होना है, थीटा इक्वल्स टू जाएगा आपके पास 15 अपॉन
75 यानी 1/5, और ये याद रखिए ये रेडियन में है, 1/5 रेडियन। अब इसने जो पूछा था फाइंड द एंगल इन रेडियन, तो एंगल रेडियन में ही पूछा, तो 1/5 रेडियन ही हम कह के अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको डिवाइड कर लें तो 0.2 रेडियन, 0.2 रेडियन भी आप इसे कह सकते हैं। अगर इसने यहाँ पे पूछा होता कि इन डिग्री यू हैव टू फाइंड, देन यू हैव टू जस्ट कन्वर्ट बाय द रेडिएशन, दैट इज पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये सेकेंड पार्ट था, थर्ड और फर्स्ट पार्ट रहा हुआ है। आपको सिर्फ क्या करना है, आर है वो फिक्स रहेगा, सिर्फ ये कन्वर्ट होंगे आपके पास, फर्स्ट में 10 होगा और थर्ड में ये 21 हो जाएगा, ठीक है ना। डिवाइड करिएगा आपको रेडियन में आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.1 हमारी कंप्लीट हो जाती है, आप इसे कंप्लीट कर लेंगे और वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू।